सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 1 दिसंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है, मार्गशीर्ष का, तिथि कृष्ण पक्ष की द्वादशी की तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है चित्रा, योग है सौभाग्य और करण है कौलव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार धंधे में आर्थिक लाभ और नौकरी में तरक्की के योग आपके लिए बनते हैं। आज का दिन आपके लिए शुभ कहा जाएगा। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश से आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी, लेकिन अपने प्रयासों से कार्य में आपको सफलता मिले, ऐसे योग दिखते हैं। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार धंधा मध्यम रहेगा और छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और धन लाभ की स्थिति रहेगी। आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार धंधा अच्छा चलेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बड़े वादे बड़े कमिटमेंट करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय में निवेश की योजना बनेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, धन लाभ की स्थिति रहेगी। ओम विधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए और निर्णय लेने में, महत्वपूर्ण निर्णय करने में जल्दीबाजी मत दिखाइए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक क्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद बढ़ाने से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार अच्छा चलने की स्थिति दिखती है, धन लाभ भी मिलेगा, बकाए धन की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की अनदेखी करने से आपको बचना होगा। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और कारोबार विस्तार की नवीन योजनाएं आप बना पाएंगे। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कार्य की गुप्त बात आप हर किसी से चर्चा न करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी न होने दें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार अच्छा चलता दिखाई देता है, धन लाभ की स्थिति बनेगी। किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा जिसमें पुराने समय में आपने मेहनत बहुत की थी, बात आगे बढ़ नहीं पाई थी, अब दोबारा से उस पर काम शुरू हो सकता है। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और परिजनों के साथ आनंदपूर्वक समय व्यतीत कर पाएंगे। ओम रमाचिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियाँ क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगा जो टोटका आपको किसी भी तरीके की बुरी नज़र और ऊपरी बाधा से ये आपकी सुरक्षा करेगा, आपको बचाएगा। बहुत सरल सा सुनने में करने में लगता है ये टोटका, लेकिन इसका प्रभाव जो है बहुत चमत्कारी है। तो बात वही हो जाती है कि देखन में चोट लगे और घाव करे गंभीर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस टोटके को आप हल्के में मत लीजिएगा, इसका प्रभाव बहुत चमत्कारी है। अगर कहीं कोई ऐसी दिक्कत है तो इस उपाय को आपको तुरंत ही कर लेना चाहिए। कई बार हम जीवन में बुरी नज़र या ऊपरी बाधा से अचानक प्रभावित हो जाते हैं। उस समय हमें ये नहीं समझ में आता कि इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही सरल चमत्कारी ये प्रभाव है बुरी नज़र ऊपरी बाधा से बचने का। ये बहुत ही प्रभावशाली, बहुत करिश्माई, बहुत चमत्कारी है। बहुत ध्यान से सुनिए, करना क्या है कि ऊपरी बाधा, नज़र, टोना टोटका, भूत प्रेत आदि की शांति के लिए या फिर इनसे होने वाले कष्टों से बचने के लिए थोड़ा सा लोबान ले लीजिए, गंधक ले लीजिए, राई और काली मिर्च को हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर से 7 बार आप खुद फेर लें या मंदिर के पुजारी से आग्रह करके उनके ऊपर से इसको उतरवा करके
आप अपने घर के प्राणियों के पास उनके कमरे में रखें और फिर कुछ दिन रख करके, कम से कम 2-3 दिन उनके कमरे में उनके स्थान पर रख दीजिए, जिनके ऊपर आपको डाउट है कि नज़र वगैरह लगी है, कोई टोक वगैरह लगी है, या अगर आप सबकी सुरक्षा चाहते हैं, पहले से ही सिक्योर करना चाहते हैं, तो सबके कमरे में थोड़ा थोड़ा सा किसी कागज में खुला करके रखना। ऐसा नहीं कि आप कागज में या कपड़े में उसको लपेट के रख दें, किसी बाउल में, किसी कटोरी में कुछ भी करके आप थोड़ा थोड़ा सबके कमरे में रख दीजिए, एक एक चम्मच करीब। और फिर मंगलवार या शनिवार को उस सब को बटोर लीजिए और घर से बाहर रख करके कंडे के ऊपर या उपले के ऊपर रख करके जला दें। किसी भी तरीके का नज़र दोष होगा, टोना टोटका होगा या ऊपरी बाधा होगी, वह जल करके नष्ट हो जाएगी। तो इसको आपको अपने परिजनों के कमरे में रखना है, या कोई अगर एक व्यक्ति पीड़ित है तो उसके कमरे में रखना है 1-2 दिन, और फिर उसको उठा करके घर से बाहर कंडे पर रख करके जला देना है। मंगलवार और शनिवार को जलाने का ये काम आपको करना होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं, वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।